हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जॉब्स के नए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बात करें इस नोटिफिकेशन की, वैकेंसीज निकली हैं, कैटेगरी सी वैकेंसीज हैं हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में। एडवर्टीजमेंट नंबर है 2/2022 और इसमें जो वैकेंसीज़ हैं उनके लिए आपको फ़ीस क्या पे करनी रहेगी, तो इसमें जो है आपको बैंक ड्राफ्ट प्रिस्क्राइब फ़ी का बना के देना होगा। 560 रुपये रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए और रिज़र्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रहेगा 140 रुपये। और रिज़र्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को अपना SC ST या फिर OBC का सर्टिफिकेट जो है वो साथ ही अटैच करके देना होगा। और ये बैंक ड्राफ्ट बनेगा इन फेवर ऑफ कंट्रोलर CSKHPKB पालमपुर, पेएबल एट SPIHPAU पालमपुर। और जो PWD कैंडिडेट्स हैं हिमाचल प्रदेश के, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी फीस इसमें डिडक्ट नहीं की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाने चाहिए ऑफिस ऑफ डेप्यूटी रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट CSKHPKB पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा HP176062। लास्ट डेट रहेगी 30 अगस्त 2022 और ट्राइबल एरियाज़ के लिए रहेगी 15 सितंबर 2022 की। अब पोस्ट की बात करें तो पहली है टेक्निकल असिस्टेंट Grade 2 फील्ड, इसमें पे रहेगी 21,360। 5 वैकेंसीज़ हैं। नेक्स्ट है फील्ड असिस्टेंट G1 Grade 1 की है, 15,360 रुपये इसमें पे जो पे रहेगी। 6 वैकेंसीज़ हैं। वेटनरी फार्मासिस्ट की है यहाँ पे 17,340 पेमेंट, 1 वैकेंसी है। क्लर्क की है 1 वैकेंसी, 12,120 रुपये पे रहेगी। लेबोरेटरी अटेंडेंट 12,120 रुपये इसमें आपकी पे रहेगी। एक जो है यहाँ पे वैकेंसी है और ये वैकेंसी है डिपेंडेंट सन डॉटर एंड वाइफ्स ऑफ SC एक्स सर्विसमैन, उनके लिए वैकेंसी जो है ये रिजर्व रहेगी। और बात करें इसमें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की, तो टेक्निकल असिस्टेंट Grade 2 फील्ड के लिए आपने BSc एग्रीकल्चर या फिर अलाइड साइंसेस किया होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है फील्ड असिस्टेंट Grade 1 के लिए, तो इसमें जो है आपने मैट्रिक किया होना चाहिए, साथ ही साथ सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए एग्रीकल्चर का, या फिर आपने 10+2 या फिर प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग TDC Part 1 विद एग्रीकल्चर या फिर साइंस 2nd डिवीज़न में किया होना चाहिए। और किसी की अगर हायर क्वालिफ़िकेशन है एग्रीकल्चर में तो वो भी इसके लिए हाईएस्ट स्टार जो है ग्रेड में उसको कंसीडर किया जाएगा। वेटनरी फार्मासिस्ट में 10+2 पास होने चाहिए आप, और आपने जो है मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन साइंस के साथ जो है पास किया होना चाहिए, और आपने पास किया होना चाहिए वेटनरी फार्मासिस्ट ट्रेनिंग कोर्स 2 साल का, और डिप्लोमा जो है इसका आपके पास होना चाहिए, और जो कि इशू किया गया हो CSKHPKV पालमपुर, और या फिर आपने 2 साल की ड्यूरेशन का इक्विवेलेंट सिलेबस का जो है जो प्रिस्क्राइब किया गया हो पालमपुर के द्वारा वेटनरी फार्मासिस्ट ट्रेनिंग जो है आपने की होनी चाहिए, और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए हिमाचल प्रदेश पैरा वेटनरी काउंसिल के साथ। नेक्स्ट है क्लर्क, 10+2 पास होने चाहिए, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश, 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी। और नेक्स्ट जो वैकेंसी है लेबोरेटरी अटेंडेंट, इसके लिए 10+2 विद साइंस किया होना चाहिए या फिर उसका कोई और अदर एग्जामिनेशन जो इक्विवेलेंट 10+2 हो विद साइंस किया होना चाहिए, या फिर मैट्रिक की होनी चाहिए और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए साइंस लेबोरेटरी का। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट Grade 2 के लिए 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, कंसर्न सब्जेक्ट GK हिमाचल प्रदेश, एवरीडे साइंस, सोशल साइंस, करंट अफेयर, लॉजिक, जनरल इंग्लिश, इसी तरह का पेपर होगा फील्ड असिस्टेंट Grade 2। और इसी तरह का आपका पेपर रहेगा वेटनरी फार्मासिस्ट। क्लर्क के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, जनरल इंग्लिश आएगी जिसमें 10+2 स्टैंडर्ड, हिंदी आएगी, मैट्रिक स्टैंडर्ड, जनरल नॉलेज होगा, तो इस तरह का 100 नंबर का पेपर टाइपिंग टेस्ट होगा। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए सेम जैसे MCQ बेस्ड पेपर पहले मैंने बताया वैसा ही पेपर 100 नंबर का इसमें कंडक्ट किया जाएगा। और फाइनल सिलेक्शन जो होगी वो आपके मेरिट बेसिस पे होगी, जो आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में मार्क्स होंगे, और जहाँ पे टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा वो सिर्फ आपका जो है क्वालिफिकेशन के लिए रहेगा, और वेरिफिकेशन होगी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एसेंशियल टेस्टिमोनियल्स की। एज आपकी 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए।
लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है। बाकी अदर इंस्ट्रक्शंस की यहाँ पे अगर बात करें तो वैसा कुछ खास इसमें बताया नहीं गया है। नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस हैं जो हर किसी के लिए, हर किसी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रहती हैं, और रिजर्व कैटेगरी के लिए बताया गया है उनको अपने सर्टिफिकेट की कॉपी देनी होगी इसमें अगर आप उसका बेनिफिट ले रहे हैं तो। सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए, और इसमें बताया गया है कि आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट जो है सबमिट करना है, और इसको जो है आप डिपॉज़िट भी कर सकते हैं ऑफिस ऑफ डिप्टी रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट में भी, सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे के बीच में। और इसमें साथ ही साथ अगर बात करें अदर इंस्ट्रक्शंस की, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है कुछ इस तरह का रहेगा, जिसको आपको फिलअप करके अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ के साथ इसको सेंड करना होगा। तो ये था गाइस आज की इस वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।